Hello, Moto. ये साल था 2016 का, जब जियो लॉन्च हुआ था और तब लोगों ने ये जाना था कि इंटरनेट को फेसबुक के अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है। जियो के आगमन के बाद जिस एप्लीकेशन की यूसेज सबसे ज़्यादा बढ़ गई वो थी यूट्यूब, क्योंकि जियो से पहले लोग अक्सर यूट्यूब या तो म्यूज़िक के पर्पस से खोलते थे या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट प्लान्स इतने ज़्यादा महंगे थे कि कोई YouTube शायद ही एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खोलता। मगर जियो के बाद सब कुछ बदल गया। मोस्ट पॉपुलर सोशल एंड मोस्ट सर्चेबल टूल आफ्टर गूगल बन गया था YouTube। अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और नए कंटेंट क्रिएटर आने शुरू हो गए YouTube पे, जिन्होंने नए वेरिएशंस लाए कंटेंट मेकिंग में, जिसमें सबसे पहला चेंजेस था लैंग्वेज का। जहाँ पे इंडियन क्रिएटर्स अभी भी इंग्लिश में कंटेंट बना रहे थे, वहाँ पे अब हिंदी में कंटेंट बनने शुरू हो गए थे। लोगों को आसान शब्दों में बातें समझ में आ रही थी और लोग शिफ्ट हो रहे थे नए क्रिएटर्स पर। मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, नए गैजेट्स, फीचरफुल स्मार्टफोन्स, और उस टाइम में मैंने भी सोच रखा था कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। सोचा इसीलिए था क्योंकि उस वक्त ना तो मेरे पास कैमरा था और ना ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोन जिसके थ्रू मैं अपनी YouTube की जर्नी की शुरुआत कर सकूं। फिर आया साल 2017, मार्च का महीना था। मैं YouTube देख रहा था और मेरे YouTube फीड पे एक वीडियो आया, मोटो G5 प्लस अनबॉक्सिंग। गीकी रंजीत सर का वीडियो था, पायोनियर इन टेक इंडस्ट्री। मैंने वीडियो देखा एंड देन आई डिसाइडेड भैया लेना है तो यही फ़ोन लेना है, क्योंकि जिस प्राइस पे जो स्पेक्स ये ब्रांड डिलीवर कर रहा था, माय गॉड, उस वक्त कोई भी ब्रांड नहीं कर रहा था। फिर क्या, अगले दिन हम निकल गए ढूंढने बायर अपने माइक्रोवेव के लिए। जी हाँ, मेरा जो पुराना वाला फ़ोन था ना, वो किसी माइक्रोवेव से कम नहीं था हीटिंग में। उस फ़ोन को बेचकर और अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे मिलाकर हमने ले ही लिया मोटो G5 प्लस और शूट किया ने YouTube की पहली वीडियो। 100 से भी ज़्यादा वीडियोस एंड टिकटॉक मैंने इस फ़ोन पे शूट करे हैं और 2018 के हिसाब से सारे हैवी गेम्स मैंने इस पे खेले हैं। हैविंग स्नैपड्रैगन 625 परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। खैर, अभी के गेम्स इस पे शायद सपोर्ट ना करे क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी पुराना है, पर जो भी हो, अगर ये फ़ोन ना होता तो शायद मैं YouTube पे ना होता। हैविंग अ वाइड अपर्चर ऑफ एफ स्टॉप 1.7, इमेज में ज़्यादा लाइट आती थी। एंड वन मोर थिंग विच आई एम प्राउड ऑफ कि इस फ़ोन में वही कैमरा सेटअप था जो कि 2017 के फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी S7 प्लस में था। आई कैन शूट अप टू 4K 30 FPS ऑन दिस फोन, इजंट इट ग्रेट? क्योंकि ये था साल 2017 जहाँ टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व होनी शुरू हो रही थी और मोटरोला ने ये चीज़ उस टाइम में ही दे रखा था। एंड स्नैपड्रैगन 625 सो स्मूथ, शूट करो, एडिट करो, गेम खेलो, ना फोन लैग करता और ना ही हीट करता। एंड बिकॉज ऑफ स्टॉक एंड्रॉयड, नॉट इवन अ सिंगल ब्लॉटवेयर आर देयर इन दिस फोन। हाँ, बस बैटरी थोड़ी वीक थी जिसके कारण इसे दिन में 2 बार चार्ज लगाना पड़ता था, बट फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज ओनली सिंगल शॉट में ही पूरा दिन चल जाता था। इवन मैं आज भी इस फ़ोन को एज अ बी फोन यूज़ करता हूँ एंड आई बेट आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा फुटेज मोटो G5 प्लस का है एंड कौन सा फुटेज पोको M2 प्रो का। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ फोन हु मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स फॉर द स्टडी पर्पज। थैंक यू सो मच फॉर बींग माई फर्स्ट कैमरा, बींग माई फर्स्ट लैपटॉप। एंड अगर ये फ़ोन नहीं होता तो लिटरली यूट्यूब वॉज ओनली बी अ ड्रीम फॉर मी। आई होप दिस विल बी अ गुड ट्रिब्यूट टू माई फोन।